प्रभु आशीष दे आप सभी को। आज बहुत इम्पोर्टेंट बात आप सभी को बतानी है जो हम सभी विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम छोटी से छोटी प्रार्थनाएं, बड़ी से बड़ी प्रार्थनाएं, बड़े से बड़े उपवास रखते हैं, सब कुछ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, चर्च जाते हैं या ऑनलाइन सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, प्रभु के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक चीज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और जो हमें बहुत ज़रूरी है करना। देखो, आपको ये शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी, लेकिन जिस दिन आपने, जैसे आपने करना शुरू किया, आप अपना पास्ट याद रखना और अपना आज का दिन, वरन जब से आप करना शुरू करोगे उस पूरे हफ्ते को देखना आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज दिखाई देगा। ये सच्चाई है। बस आप इच्छा रखना, कोशिश करना, प्रभु आपकी कोशिशों पर, आपकी इच्छा पर आशीष देगा। ठीक है, देखो, करने में कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। हम गिरते थे, रोज़ाना गिरते थे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा से संभालता है। तो बात सारी ये है, हम बड़ी से बड़ी प्रार्थनाएं, सब प्रकार की प्रार्थनाएं, परिवार के लिए, अपने लिए, अपने तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, अपने रिलेटिव रिलेशंस के लिए, घर परिवार वालों के लिए, नौकरी बिजनेस के लिए, बीमारों के लिए, लाचारों के लिए, मतलब अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, बहुत प्रकार की प्रार्थनाएं बहुतों के लिए करते हैं, और भी हज़ारों प्रकार के प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, है ना। आप लोग जानते हो, आप लोग प्रार्थना करते हो तो आपको मालूम है किन किन बातों के लिए आप प्रार्थना करते हो। लेकिन एक प्रार्थना हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन हमने ये प्रार्थना करना शुरू कर दिया उस दिन हमारी लाइफ का पैराग्राफ बहुत ऊपर बढ़ेगा, बहुत अद्भुत तरीके से बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हम प्रभु को खोजते हैं, लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो प्रभु हमें खोजता है। तो हमें आराधना के साथ वो प्रार्थना ज़रूर करनी है जो भी आपको बताई जाने वाली है। देखो, बहुत ज़रूरी बात है ये हम सभी के लिए जानना। कभी भी आप प्रार्थना कर रहे हो तो सबसे मेन चीज़ इस बात का ध्यान रखना कि छोटी सी वर्शिप करने की कोशिश करो। चाहे उदाहरण के तौर पर, चाहे कोई भी आप एक पैराग्राफ गा लो। अगर आपको कोई भी गीत नहीं आता है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कभी कोई गीत यीशु मसीह का सुना ना हो या आपको नहीं आता हो। मैं कह रहा हूँ जो भी गीत आपको आता है, चाहे मैं कह रहा हूँ कोई भी गीत आपको रटा हुआ है बिल्कुल, चाहे थोड़ा बहुत भी रटा हो, चाहे कितना भी पुराना, चाहे हज़ारों बार आपने सुना है, हज़ारों बार आपने गाया है, ये मत सोचना कि वो गीत पुराना है। नहीं, प्रभु की महिमा दिल से होती है और प्रभु की महिमा कोई पुरानी दुरानी नहीं होती है। देखो, शब्द और हमारे हृदय की बात, ये बहुत ज़रूरी है। हम शब्द क्या बोल रहे हैं? अगर हम रोज़ाना धन्यवाद करें तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कोई और भी शब्द है जिसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब धन्यवाद के सिवा कोई और शब्द है ही नहीं। अब ये धन्यवाद शब्द शुरुआत से ही है, प्रभु ने शुरुआत से ही कहा है कि तुम हर बात में पिता का धन्यवाद करो। अब ये धन्यवाद का शब्द पुराना नहीं हो गया, ठीक है। धन्यवाद आज करें चाहे कल करें, लेकिन हमारे मन के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर ये शब्द निर्भर है कि हम किस विचार से, किस मंशा से कह रहे हैं, प्रभु ग्रहण करता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो तो कोई भी छोटा सा गीत गाओ। जैसे आप चाहे 4 शब्द भी बोल दोगे आराधना के, परमेश्वर की महिमा के लिए, जो भी आपने गीत सुना है, जैसे हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति और आराधना, मतलब कई प्रकार के गीत हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप गा सकते हो। तो शुरुआत आराधना से करना, और जब भी आप सुबह उठते हो तो छोटा सा एक कोरस गाकर, मतलब छोटे से 4 शब्दों की या 10 शब्दों की छोटी सी आराधना करके, एक छोटी सी प्रार्थना अपने लिए ज़रूर करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, कई बार तो याद भी नहीं रहती है, वो क्या है। हम बहुत बड़ी बड़ी दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना कभी नहीं करते हैं। और शैतान हमारी कमजोरियों पर अटैक मारकर हमें गिराता था, हमारा प्रार्थना का, आराधना का, वचनों का, प्रकाशनों का जीवन बिल्कुल हिला देता था। क्यों? क्योंकि जब हम, अगर हमारी कमजोरी में ही परमेश्वर की सामर्थ्य अच्छे से सिद्ध नहीं होगी, सामर्थ्य कैसे सिद्ध होगी? जब हम उस बात के लिए मांगेंगे तभी तो होगी। प्रभु ने कहा है मांगोगे तो दिया जाएगा। अगर हम अपनी कमजोरियों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं मांग रहे हैं, अगर हम अपनी कमजोरियों को प्रेयर रिक्वेस्ट में नहीं रख रहे हैं, अगर हम अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर के सामने नहीं रख रहे हैं कि प्रभु मैं अपनी लाइफ के इस हिस्से में कमज़ोर हूँ, कि जैसे कैसे क्या क्या कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कि अगर आपके शरीर की कोई कमज़ोरी है, आपकी आत्मिक जीवन की कोई कमज़ोरी है, जैसे कि आप प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हो 3 घंटे तक 4 घंटे तक लेकिन आप नहीं कर पा रहे, ये आपकी कमज़ोरी है। आप प्रार्थना करना चाहते हो मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक, या भोर में उठकर करना चाहते हो, या सुबह उठते के साथ ही करना चाहते हो, या रोज़ाना रात को सोने से पहले करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे, ये आपकी कमज़ोरी है। और प्रार्थना ना करने के कारण शैतान किसी न किसी तरीके से आपके लाइफ में कुछ कड़वे बीज या कुछ ऐसे काम करने की कोशिश कर रहा था जिसके द्वारा आपका जीवन, जो हल्की फुल्की आप नाम भी ले रहे हो ना, या हल्की फुल्की आप आराधना प्रार्थना कर रहे हो, तो उससे भी पीछे छुटवाना चाहता है शैतान। क्योंकि शैतान को बहुत जलन है इस बात से कि प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रभु को पुकारें नहीं,
वो बिल्कुल नहीं चाहता कि प्रभु के लोग प्रभु को पुकारे, वो बिल्कुल नहीं चाहता। मैं फिर से कह रहा हूँ, शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रभु को पुकारे, हर पल हर क्षण उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसके लिए गीत गाएं, उसकी आराधना या प्रार्थना करें। देखो, अगर आपको प्रार्थना करने नहीं आ रही, दो शब्द सिंपल आप आराधना के भी गा सकते हो। और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखो, आप उदाहरण के तौर पर अगर आपका आप चाहते हो कि आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो, तो आपको कुछ में दिमाग भी चलाना पड़ेगा। देखो, कुछ हमें बुद्धि से भी काम लेना है, कुछ आत्मा से भी काम लेना है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप वचन को पढ़ो तो वचन में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। और देखो, शरीर कहता है कि तू सो जा, अब कल कर लियो प्रार्थना, लेकिन आत्मा कहती है, परमेश्वर की हमारी अंतरात्मा कहती है, हमारा मन कहता है कि नहीं, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, लेकिन हमारा शरीर कई बार जवाब दे जाता था। तो उस समय अब क्या करना है, जैसे आप प्रार्थना करने के लिए बैठो लेकिन आपकी आंखों में झपकी आ रही, तो उस समय आपको बुद्धि से भी काम लेना है। अगर आप अपने साथ एक गिलास पानी या एक बॉटल पानी लेकर बैठोगे ना, तो शैतान के मुंह पर एक करारा तमाचा मार सकते हो। जब भी आपको वो नींद दिलाए, या जब भी आपको वचन पढ़ते टाइम, आराधना करते टाइम या प्रार्थना करते टाइम नींद आए, तो उस समय आपको वो पानी अपने मुंह पर मारना है, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, और इसके साथ साथ अपनी उन कमजोरियों के लिए प्रार्थना करनी है। जैसे कि आप प्रभु के साथ लंबे टाइम तक नहीं बैठ पा रहे हो, आप वचन को याद नहीं रख पा रहे हो, ये आपकी कमजोरी है। आप वचन को पढ़ना नहीं आता या पढ़ नहीं पा रहे हो, अगर पढ़ते हो तो ऑन द स्पॉट भूल जाते हो, ये आपकी कमजोरी है। आप उपवास में मतलब ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते, ज्यादा घंटों तक आप भूखे नहीं रह सकते, ये आपकी कमजोरी है। और उपवास रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, एक मसीह जीवन में उपवास एक जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन शैतान इन बातों को बिल्कुल भी मसीह जीवन के अंदर बिल्कुल नहीं आने देता, बिल्कुल नहीं लागू होने देता, क्योंकि जानता है शैतान, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया था कि एक ऐसी दुष्ट की जाति है जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। और शैतान सबसे पहले इन्हीं दोनों चीजों पर अटैक मारता है कि ना तो कोई बंदा उपवास रखे, अगर उपवास रख रहा है तो शरीर को ऐसे कमजोर कर देता कि बंदा प्रार्थना में ही नहीं बैठ पाता। अगर इंसान प्रार्थना करता है, प्रार्थना का जीवन मतलब अगर इंसान उपवास सही से रख लेता है, लेकिन अगर प्रार्थना में बैठता है तो इंसान प्रार्थना में नहीं बैठ पाता है। प्रार्थना जैसे उदाहरण के तौर पर कि शरीर पर अटैक इस तरीके से मारता है कि या तो नींद आ रही है, अगर प्रार्थना करते 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 बिल्कुल इस तरीके से नींद आ जाती है, ऐसे झपकी आ जाती है, कुछ ऐसे उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे विचार, उल्टे सीधे शब्द निकलते हैं या मन में आते हैं, प्रार्थना में ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि लिखा है ना, होठों से तो तुम मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उपवास और प्रार्थना को मेंटेन नहीं करके रखा है। देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कमजोरी है जिसके द्वारा आप प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, चाहे वो प्रार्थना को लेकर है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, या ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ पा रहे, या प्रार्थना में आपका ध्यान नहीं लगता है, या मन नहीं लगता है, या आप दर्शन नहीं देख पा रहे हो, या फिर आपकी कोई कमजोरी ऐसी है जिसमें कि जैसे आप सोते हो प्रार्थना करके तो आपको गलत और गंदे सपने आते हैं, या आपकी कोई कमजोरी गलत निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, या बुराइयाँ हो जाती हैं, दोष लग जाता है किसी के ऊपर, या आपकी कमजोरी कोई ऐसी है कि आपका ध्यान ज़्यादा टीवी सीरियल्स में या फालतू की फोटोज वीडियोज एल्बम्स में है, या आपका ध्यान किसी प्रकार की ऐसी गलत और गंदी मूवीज में है या व्यभिचार में है, तो ये सारी आपकी कमजोरियां हैं जो आपके जिंदगी को खोखला कर रही थी। चाहे जैसे कि लिखा है ना कि यीशु मसीह ने, जैसे बाइबल हमें बताती है कि चूना फिरी कब्रों के बारे में, जो बाहर से तो बहुत चमकी धमकी लगती हैं लेकिन अंदर से वो खोखली हैं और सड़ान मारती है, बदबू आती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन बिल्कुल ना होने पाए, ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया है मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमें बचाना चाहता है इन सब चीज़ों से। हमारी शक्ल सूरत के अनुसार हमारा जीवन नहीं, वरन हमारा हृदय अंदर से वचनों से प्रार्थना से आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम अंदरूनी सुंदरता में बढ़ते जाएं, लेकिन शैतान अंदर से ही खोखला करता है और बाहर से बिल्कुल टिप टॉप करके दिखा देता है। जैसे हम बाहर से बहुत अच्छे से चमक धमक के जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर की कड़वाहटें, बुराइयाँ, झूठ, दोष, बुराई, कमी निकालना, हंसी ठट्ठा करना, या व्यर्थ और निकम्मी, या कोई भी ऐसी बात, ऐसे काम, ऐसे विचार, या प्रार्थना का जीवन नहीं है, या नशे पत्ते करते हैं, या किसी की सह नहीं सकते किसी पर, मतलब तुरंत हम दोष लगा देते हैं, बिना सोच विचार के बोल देते हैं, ये सारी कमियां हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं। इन्हीं कमजोरियों के कारण ना तो एक विश्वासी उपवास रख पाता है, अगर रखता है तो इन्हीं कमजोरियों के कारण उसका उपवास टूट जाता है, और इसी के कारण उस उपवास को वो पूरी तरीके से काम में नहीं ला पाता है, ना ही वो सामर्थ पाता है उपवास करने के द्वारा, और ना ही वो उपवास उसका ग्रहण हो पाता है प्रभु को। क्यों? क्योंकि इन कमजोरियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां होती हैं जो आपकी दाख की बारी को खराब करती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दाख की बारी में फूल लगे हैं, फल लगे हैं।
कहने का मतलब आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी भलाइयां, ऐसी अच्छाइयां हैं या आने वाली ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिनको शैतान नहीं पाने दे रहा था आपको, या अगर पा भी ली थी तो उनको नाश करना चाहता है, उनको आपकी जिंदगी में से खत्म करना चाहता है। लेकिन उन चीजों को बनाए रखने के लिए, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए और अपनी लाइफ को बिल्कुल मजबूत और स्ट्रांग करने के लिए आपको अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, वो भी उपवास के साथ। चाहे भले ही आप 15 मिनट का उपवास रखो, चाहे भले ही आप 1 घंटे का उपवास रखो, चाहे भले ही आप 4 घंटे का, 6 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का उपवास रखो, लेकिन उपवास रखो इस बात के लिए कि प्रभु ये 1 घंटा, ये आधा घंटा, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट मेरी, ये मेरा उपवास तेरे ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु मैं आज उपवास रखता हूँ इन मेरी कमजोरियों के लिए। अपनी कमजोरियों को एक कागज में लिखो कि आपको वचन समझ में नहीं आता है, या आपको सोते वक्त गलत और गंदे सपने आते हैं, या आपके मुँह से झूठ निकल जाता है, या आपको वचन पढ़ते समय नींद आती है, या आप वचन नहीं पढ़ पाते हो, अगर पढ़ते हो तो याद नहीं होता है, या फिर आप वचन से युद्ध नहीं कर पाते हो, या आपको वचन समय पर याद नहीं आता, या आप गलत डिसीजन ले लेते हो, या आप झट क्रोध कर देते हो, या फिर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई गलत और गंदे विचार आते हैं, या प्रार्थना करते करते सो जाते हो, या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसे विचार, ऐसे काम, ऐसी बात, ऐसे शब्द जिसके कारण आप प्रभु की उपस्थिति से दूर हो रहे थे, उन सभी बातों, विचारों, कामों को, शब्दों को लिखो, बोलो प्रभु ये बुराइयां मेरे जीवन में से खत्म हो जाएं, पेपर पे लिखकर उस पर अपना हाथ रखो। 15 मिनट रोजाना अपनी जिंदगी के स्पेशल प्रभु को दो और कहो, देखो 2.5 घंटा तो अलग है, वो तो 10वां हिस्सा परमेश्वर को हमारी जिंदगी में 24 घंटे में से देना ही है, लेकिन उसके अलावा भी आप 10 से 15 मिनट चलते फिरते भी प्रभु से नॉर्मल प्रार्थना कर सकते हो, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो। अब देखो बिजी होने का फायदा क्या, अगर शरीर सही है तो सब कुछ सही है, अगर जीवन है तो सब कुछ है, अगर खुदा लाइफ में है तो सब कुछ है, और दूसरी बात अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ सही है तो सब कुछ ठीक है, सब हमारे फेवर में है। अगर खुदा ही हमारे से रूठा पड़ा है तो हम चाहे कितना भी संसार को प्रसन्न कर लें, सब जगह से दरवाजे बंद होते हैं और आंसू मिलते हैं और दुख मिलता है और कलेशों में इंसान घिर जाता है। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है, लेकिन जैसे ही खुदा से इंसान दूर होता है ना, तो जिंदगी नरक बन जाती है। इसीलिए अपने खुदा के लिए, अपनी जिंदगी को देने के लिए समय निकालना, उसमें फायदा हमारा ही है। क्यों? क्योंकि देखो खुदा के पास तो सब कुछ है, वरन वो तो हमें ही देने के लिए ही बैठा है। अगर हम अपना समय उसको नहीं देंगे, अगर हम अपने अपनी लाइफ का कुछ पार्ट हम अगर उसको नहीं देंगे, तो उसको वो मल्टीप्लाई या ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा? देखो हम 10वां हिस्सा जब हम अपने अपने परमेश्वर को देते हैं, कहने का मतलब समय का 10वां हिस्सा देते हैं, तो वो हमारी उम्र, हमारी सांसें, हमारे शरीर की सारी ज़रूरतें, हमारी आत्मिक ज़रूरतें, सब प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपना समय उसके अंदर बो रहे हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है, चाहे कोई मनुष्य दे ना दे, चाहे कोई आपका प्रतिफल कितना भी मार रहा था, लेकिन प्रभु कभी धोखा नहीं देता है। और उसका तो वचन में साफ लिखा है कि अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, तो अपने समय का दशमांश प्रभु को जरूर दो। और रही बात इसके अलावा, आप 10 से 15 से 20 मिनट या जितना आप ज़्यादा करना चाहते हो, जितना आप कर सकते हो, उन बातों के लिए प्रार्थना सेपरेटली करना शुरू करो। देखो 24 घंटों में कितनी बार 3-3 घंटे का गैप आता है आपको मालूम है? देखो मैं अपना शॉर्ट में बताता हूँ आपको, जैसे कि कभी कभी 12 बजते हैं, 12 के बाद 3 बजते हैं, 3 के बाद 6 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं, फिर 12, 3, 6, 9, बार बार ये टाइम होता रहता है। देखो रात को तो कई बार कह नहीं सकता, लेकिन कई कई बार दोपहर में प्रभु का आत्मा याद दिलाता है, मेरे पास एक वॉच है, प्रभु ने मुझे एक वॉच से ब्लेस किया, ये परमेश्वर का धन्यवाद है, ये गवाही है, प्रभु को महिमा मिले और प्रभु ने मुझे सही सलामत रखा, ये भी गवाही है। तो बात सारी ये है कि वॉच में ना अलार्म लगा रखे प्रभु के अनुग्रह से, एक 12 बजे का बजता है, एक 3 बजे का बजता है, एक 6 बजे का बजता है, एक 9 बजे का बजता है, मतलब इसी प्रकार से अलार्म बजते रहते हैं, और प्रभु का आत्मा मुझे टाइम टू टाइम याद दिलाता रहता है, जैसे ही अलार्म बज गया उसी समय तू मेरा धन्यवाद कर। क्यों? क्योंकि वो समय परमेश्वर ने मुझे सही सलामत सुरक्षित रखा, जीवितों की जमीन पर रखा, मैं उस समय तक नहीं मरा, उस समय तक मुझे कोई घटना नहीं घटी, उस समय तक मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, उस समय तक मुझे परमेश्वर ने कोई तकलीफ नहीं होने दी, और वरन प्रार्थना करने के योग्य भी बनाया और जीवितों की जमीन पर रखा, सबको सही सलामत रखा, साथ चल रही, शरीर के अंग सही सलामत है। तो प्रभु चाहता है कि जैसे ही 12 बजे, जैसे 3 बजे, जैसे 6 बजे, जैसे 9 बजे, मतलब अपनी जिंदगी में हर पल हर क्षण प्रभु को याद रखना। लेकिन ये मैंने एक नॉर्मल टाइम बना रखा था, मतलब प्रभु ने मेरी जिंदगी में ये मोमेंट दिया कि मैं समय असमय उसको याद रखूं, उसको कभी ना बोलूं, चाहे मैं भले ही कितने भी बड़ी खुशियों में चले जाऊं, कितने ही भले कामों में चले जाऊं, कितना भी आशीष पालूं, लेकिन खुदा को कभी ना भूलूं। तो ऐसी प्रकार से आप
समय बना सकते हो, किसी प्रकार का कोई भी अलार्म लगा सकते हो, जो टाइम आपको सूट करता है, जो आपको सही लगता है उस समय, चाहे एक मिनट के लिए आप समय निकाल रहे हो, चाहे 15-20 मिनट के लिए समय निकाल रहे हो, उस समय धन्यवाद के साथ साथ अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप उस समय अपनी कमजोरियों के लिए भी प्रार्थना करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास समय कम है तो आप अपनी उस जिंदगी के लिए धन्यवाद कीजिए जो उस पल तक आपको प्रभु ने दी है, चाहे भले ही उस समय तक भी आप आंसू में थे ना, तो उस आंसू के लिए भी धन्यवाद करना जरूरी है। चाहे भले ही आपने उस समय तक कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग पाली, तब भी एक मिनट के लिए संसार से अलग होकर, सब फोनों को काट कर, अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस क्रिएट करके, अकेले में आकर, या फिर खड़े खड़े किसी भी जगह पर, चाहे कोई कुछ भी कह रहा था, कुछ भी समझ रहा था, चुप रहकर आप चल रहे फिर हो, चाहे वॉशरूम में हो, चाहे आप किसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हो, बस मन में एक मिनट शांत होकर, चुप रहकर, या दूसरों को चुप करा के, अगर कोई ज़्यादा बातचीत कर रहा है तो बोलते एक मिनट के लिए रुक जाओ, मुझे प्रार्थना करना है, तो बस दैट्स इट। आप प्रार्थना कर सकते हो उस समय 30 सेकंड की, एक मिनट की प्रार्थना की, धन्यवाद यीशु शरीर के लिए, घर परिवार के लिए, नौकरी बिजनेस के लिए, दोस्तों के लिए, इस मूवमेंट के लिए, इन पैरों के लिए, धन्यवाद कर सकते हो। आपके पास धन्यवाद करने के लिए तो समय होगा, खुदा को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि लिखा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा। अरे मैं तो तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, मैं तेरे शरीर के अंदर वास करता हूँ। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु में हमारे पिता परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसका हर बात में धन्यवाद करें। तो जैसे जैसे आप धन्यवाद करते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कितनी प्रकार की जो भी रुकावटें थी वो कैसे हटती जाएंगी। जहां जहां आपको रुकावट लग रही है उन रुकावटों के लिए धन्यवाद करो, जो आपके शत्रु थे उन शत्रुओं के लिए धन्यवाद करो, जो भी आपके जीवन में शरीर प्राण और आत्मा में समस्याएं थी उनके लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु इस समस्या के लिए कि इस समस्या के द्वारा, इस पाप के द्वारा, इस बुराई के द्वारा तेरे नजदीक आया, इन गलतियों के द्वारा मैं तेरे नजदीक आया, लेकिन प्रभु इन समस्याओं से तूने मुझे आजाद कर दिया, तेरा धन्यवाद। इन पापों से मुझे आजाद कर दिया, तेरा धन्यवाद। मुझे अपने लहू से धोके शुद्ध किया, धन्यवाद। जैसे जैसे आप धन्यवाद करते जाओगे वैसे वैसे शैतान के मुंह पर गहरा तमाचा पड़ता जाएगा और वो घायल होकर आपके पैरों तले आएगा और वो कुचला जाएगा। उस समय आप जयवंत से बढ़कर अपने आप को महसूस करोगे। और ये बात मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, इन बातों को इस पूरे एक हफ्ते अपना कर देखना। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चेंजेस ना दिखाई देना तो फिर कहना ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, मैंने प्रभु के चमत्कारों को, प्रभु के कामों को अपनी जिंदगी में देखा है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका 15-20 मिनट जो भी आप अलग से देना चाहते हो वो भी आपको अपनी जिंदगी के लिए ही देना है, क्योंकि उसमें चाहिए तो आप ही को ही ना, तो अपने लिए तो आप दे ही सकते हो। जो दसवा हिस्सा है जो आप प्रभु को दे रहे हो वो भी आप अपने लिए ही दे रहे हो, उसमें फायदा भी आप ही का है, क्योंकि आपके दसवें हिस्से की प्रभु आशीष देगा। अगर आप इसके आगे के वचन पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे उसमें फायदा किसका है। अगर आप अपना समय दे रहे हो तो वो आपको समय से बढ़कर आपकी जिंदगी, उम्र, लाइफ को लेकर, ब्लेसिंग्स को लेकर और मल्टीप्लिकेशन करके आगे और बढ़ाकर आपके ऊपर उडेलता है, और फायदा इसी के अंदर आप ही का ही है। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना। जो भी आपकी कमजोरियां हैं एक पेपर पे लिखो और प्रभु से उन कमजोरियों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु ये प्रकार की कमजोरी मेरे शरीर में से निकल जाए, ये प्रकार की कमजोरी मेरे विचारों में से निकल जाए, मेरे कामों में से निकल जाए, मेरी जुबान में से निकल जाए। यीशु तेरा लहू लगाता हूं मेरे इस कमजोरी पर, तेरे लहू से धोता हूं मेरे इस विचारों को, तेरे लहू से मैं साफ करता हूं मेरी जुबान को, तेरे लहू से मैं नौकरी बिजनेस को धोता हूं, मेरी चेयर्स को धोता हूं, मेरे खाने पीने की वस्तुओं को धोता हूं, ब्लेस करता हूं मेरे नौकरी बिजनेस को धोता हूं। प्रभु मेरी संगति को पवित्र कर, मेरे काम धंधे को पवित्र कर, मेरे रहन सहन को पवित्र कर, मेरे खाने पीने को पवित्र कर। मेरी खाने की कमजोरी है या मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, या मेरे शरीर में प्रभु पेट दर्द होता था, सर दर्द होता था, मैं तेरी संगति में नहीं बैठ पाता था, प्रभु ये मेरी कमजोरी जिसके कारण मैं तेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, प्रभु इस कमजोरी पर मुझे जय दिला। आप प्रार्थना करना शुरू करो एक हफ्ते के अंदर, मैं कह रहा हूँ आपको किसी दूसरे व्यक्ति से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप इन चीज़ों के लिए 15-20 मिनट निकालते जाओगे वैसे वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रार्थना का समय बढ़ गया। जैसे जैसे प्रार्थना का समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जुबान पर प्रभु का आत्मा वचन डालता रहेगा। जैसे जैसे आपकी जुबान पर वचन आते रहेंगे तो आप तलवार चलाना सीखोगे। जैसे जैसे तलवार चलेगी आपके मुख के द्वारा तो शैतान को आपसे खतरा होगा, और जैसे जैसे आपके मुख के द्वारा तलवार चलेगी शैतान को आपसे खतरा होगा तो आपके काम भी बनेंगे, आपके जीवन की रुकावटें भी खत्म होंगी और आपको आत्मिक युद्ध लड़ना आ जाएगा। जो काम लोगों के सालों में नहीं हो पा रहे थे वो काम आप तुरंत करोगे, खुद के जीवन में भी और दूसरों के कामों में भी अगर हाथ लगाओगे तो उनके आपके हाथ के सभी काम सफल होंगे और प्रभु आपके सभी कामों पर आशीष भी देगा। और जैसे जैसे आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका रिश्ता प्रभु के साथ और अच्छा होता जाएगा। जैसे जैसे आपका रिश्ता प्रभु के साथ और अच्छा होता जाएगा तो आप वरदानों से, पवित्र आत्मा के कामों से, सामर्थ्य से, अभिषेक से, ताकत से, अनुग्रह से और सब प्रकार के वरदानों से, पवित्र आत्मा के काम और फलों से आप बढ़ते जाओगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे परमेश्वर आपकी कीर्ति और प्रशंसा पृथ्वी की छोर छोर तक फैला देगा और आपको अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल करेगा, सदा के घमंड का कारण ठहराएगा और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा किए जाएंगे और परमेश्वर अपने आप को आपके अंदर प्रकट
करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम, पैसा, एनर्जी खुदा के लिए दिया है। आपने अपने 15, 10, 10, 20, 25 मिनट करते करते आपने कितना समय अपना खुदा के अंदर दे दिया वो आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको पता जब चलेगा जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग्स को, बड़े चमत्कार को, बड़े उद्धार के कार्य को देखोगे, और उस समय आप घुटनों के बल आंसुओं के साथ आ आकर खुदा का धन्यवाद करोगे। खुदा, मैंने तो तुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया, लेकिन तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर ध्यान रखना। शुरुआत करो, चाहे आप 2 मिनट से शुरुआत कर रहे हो, प्रभु के लिए समय निकालो और उसमें अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना करना जरूर शुरू करो। अपनी कमजोरियों को पकड़ो ताकि आपकी कमजोरियां हटाई जाएं और आपकी जो काम आप नहीं कर पा रहे थे उन कामों के लिए परमेश्वर की सामर्थ मांगो। प्रभु, मेरी कमजोरी है ये, इस कमजोरी में मेरी सामर्थ बन। प्रभु, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मेरी इन प्रार्थना की कमजोरी में प्रभु तेरी सामर्थ सिद्ध हो ताकि मैं लॉन्ग टाइम तक प्रार्थना करूँ, ये मेरी कमजोरियां खत्म हो जाएं, तेरी सामर्थ मुझ में सिद्ध हो। प्रभु, प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, मांगोगे तो दिया जाएगा। आप हर चीज़ मांग रहे हो लेकिन प्रभु से अपनी कमजोरियों को हटाने के लिए और अपनी कमजोरियों में प्रभु की सामर्थ को सिद्ध करने के लिए प्रभु से उसका बड़ा अनुग्रह मांगो और अपना समय प्रभु को दो। इसलिए क्यों? क्योंकि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ये आप ही के लिए भला है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को, ऐसा जरूर कर देखना। ये फायदा ही फायदे के लिए है, ये आप ही की भलाई के लिए है। शुरुआत करो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इतनी बात आप जानते हो। आपकी ज़िंदगी, आपकी परिस्थितियाँ, आपके हालात बदलने जा रहे हैं। आज ही से करना शुरू करो, चाहे 10 मिनट 15 20 मिनट करते, वचन पढ़ने के लिए अलग से 5 मिनट दो, फिर धीरे धीरे करके 5 से 10 मिनट कर दो, फिर 15 मिनट कर दो। फालतू का खेलना कूदना उसमें से थोड़ा थोड़ा टाइम कम कर दो। फालतू की फोटोज़, वीडियोज़, एल्बम्स देखना, गलत संगति में जाना धीरे धीरे करके बंद कर दो, कम कर दो। जैसे जैसे आप अपने आप को मारते जाओगे वैसे वैसे आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाओगे। जैसे जैसे आप अपने अभिलाषाओं के लिए मरोगे वैसे वैसे आप परमेश्वर के पवित्रता, सच्चाई, खराई के कामों में और सच्ची शांति, सच्चे अभिषेक को लेकर और सब प्रकार की परमेश्वर की भरपूरी की ब्लेसिंग्स को लेकर आप बढ़ते रहोगे। ये सच्चाई है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब जब आप अपने आप को बुराई करने से रोकोगे ना, तब तब प्रभु आपके निकट आएगा। और जब प्रभु आपके निकट आएगा ना, तो वो साफ कहता है कि देख, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसीलिए ही आप बांध और बहुत ही दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। तेरी कमजोरियों में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। मैं जानता हूँ जो तू करना चाहता है वो तुझसे नहीं हो पाता है और जो तू नहीं चाहती वो तुझसे हो जाता है। मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा, बस तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे। तू पहला कदम बढ़ा, जगत के सदैव अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। शुरुआत कर, पहला कदम बढ़ा, शुरुआत कर। अगर पानी पर चलना है तो धरती को छोड़ना पड़ेगा, मैं तेरे साथ हूँ।